मोदी जी वैसे भी कह रहे हैं सनातन धर्म को खत्म करने के लिए गठबंधन तैयार किया गया, क्या बस चले तो हम लोगों को हिंदुस्तान से निकाल दें। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में ओबीसी साहब के आने के बाद ही ताकत बनेगी। हम एमआईएम वाले नहीं है, मिले ना मुल्ला मुलायम बन गए और क्या चाहिए। हमको प्रधानमंत्री बनावे, हम जनेऊ टांगने के लिए तैयार है। ऊपर टांगेंगे हम, अंदर नहीं टांगेंगे। ऊपर टांग लेंगे उसमें अपनी रिवॉल्वर भी लगा लेंगे। एक दुकानदार है, दूसरा चौकीदार है, दोनों सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक्सोकेशन का, एक कम्युनिज्म का। एमआईएम में लोग जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, यही एमआईएम में है, यही एमआईएम। 2024 में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार। भारतीय जनता पार्टी से आवाम जो है चरमरा गई है, महंगाई बेरोजगारी। अब एक ही है कि सारी पार्टियां एक होकर के इंडिया गठबंधन जो बना है वही कामयाब हो। दिखाई दे रही, मोदी जी और योगी जी विकास नहीं कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त मैं सुल्तानपुर में हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं टोल प्लाजा है जो सुल्तानपुर से पहले पहुंच जाता है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और नेताजी किधर चले? क्या हाल है, ठीक है? बहुत अच्छा है, सब फर्स्ट क्लास है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में? 2024 में कांग्रेस सत्ता में आएगी। 2024 में कांग्रेस आ जाएगी, बिल्कुल सत्ता में आ जाएगी। इसलिए कि पब्लिक जो है बहुत पीड़ित हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, तमाम भ्रष्टाचार से, ये सब मुद्दा हावी है, ये सब हावी है, सब हावी है। ये हिंदू मुसलमान छोड़कर सारे मुद्दों पे हावी है ये। लेकिन मोदी जी तो बता रहे हैं हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कहाँ आप बता दीजिए, कहीं बता दीजिए चाचा, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा क्या? भाई देखिए, जो सरकार की स्कीम आएगी वो तो काट छाट के मिलेगी, किसी छाट के मिलेगा, एक तरफा मिलता है, किसी का नाम देखकर नहीं होता है। जो भाजपा सरकार में मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा, आज तक ये किसी के साथ नहीं हुआ। रही बात वो इलेक्शन की, तो हम लोग सब लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस को वोट देने के लिए। आप बना चुके हैं? जी जी जी। मोदी जी वैसे भी कह रहे हैं सनातन धर्म को खत्म करने के लिए गठबंधन तैयार किया गया, बस चले तो हम लोगों को हिंदुस्तान से निकाल दें। लेकिन कम से कम 30 करोड़ मुसलमान को निकालना इतना आसान नहीं, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, इनका निकालना इतना आसान नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप, बता रहे हैं इतना आसान नहीं है? मोदी जी कौन सा आपको निकालने, तो अपनाने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम पासमानदा के नाम पर आपको मना रहे हैं। भाई आप ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना, कहाँ कौन से मुसलमानों की, मुसलमान जो सर्वण लोग हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? पसमानदा की बात तो आप कर रहे हैं, नाऊ, धोबी, कसघर, कुहार, ये सब के नाम आप ले रहे हैं जो ज्यादातर गरीब तबके से आते हैं। लेकिन सवर्णों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं पसमानदा से भी ज्यादा कमजोर हैं। मुसलमानों में भी बंटवारा कर रहे हैं, मुसलमान के नाम पे ये माना जाता है मुसलमान। मोदी जी मुसलमानों में बंटवारा कर रहे हैं, अंसारी है, दुनिया है, बहना है, नाऊ है, बैकवर्ड है, इसको फाड़ के दो भाग में कर देना, दो भाग में कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास करेंगे और सबके हितों की बात करेंगे। 15 लाख रुपया हम आपके खाते में देंगे, मोदी जी ने तो कहा था 15 लाख रुपया खाते में देंगे, कहाँ आया, किसके पास आया? तो 15 लाख के सहारे बैठे हैं क्या? नहीं, उन्होंने वादा किया था, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए ख्वाब देख रहा था, वो प्रधानमंत्री बना। 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं आपको? 5 किलो मिलता है, हमारे पास तो राशन कार्ड भी नहीं। अरे आप नहीं लेना चाहते, अलग बात है। बना ही नहीं राशन कार्ड, मोदी जी दे रहे हैं ना हमारे यहाँ राशन कार्ड, मोदी जी आपको काट रहे हैं। भाई हमारे यहाँ राशन कार्ड नहीं बना, आप आके जांच कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हाल चाल है? 2024 का चुनाव आ गया है, आप लोग किधर चले, सुल्तानपुर की जनता किधर चली? 10 साल जो है भारतीय जनता पार्टी से आवाम जो है चरमरा गई है, महंगाई बेरोजगारी। अब एक ही है कि सारी पार्टियां एक हो करके इंडिया गठबंधन जो बना है वही कामयाब हो, एक ही सूरत है। इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है, ये मोदी जी कह रहे हैं, ये जनता पार्टी को हराने के लिए, राजीव गांधी बस बस एक ही चारा है। गांधी नहीं है सनातन धर्म में, ये आप कैसे कह रहे हैं? अच्छा आप मानते हैं सोनिया गांधी सनातन धर्म में है, राहुल गांधी सनातन धर्म में है, और जितने लोग हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सब सनातन धर्म में, सनातन धर्म के नहीं है, तो मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आए हैं? मोदी जी से पूछिए कि जो सवर्ण लोग हैं इंडिया गठबंधन में, क्या वो सनातन धर्म ही नहीं है? कैसे आप कह दे रहे हैं भाई? सबसे बड़ी बात तो यही है कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा दिए हैं और कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। विकास क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, सबसे मेन मुद्दा महंगाई। हम लोग आम जनमानस को क्या चाहिए,
महंगाई से हम लोग बिल्कुल परेशान हैं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम परेशान है। आपको महंगाई लगता है? लगता कुछ है। लोग हैं कह रहे हैं कि 2000 रुपए में सिलेंडर हो जाए, 200 रुपए में पेट्रोल हो जाए, हम खरीद लेंगे, लेकिन राष्ट्रहित में मोदी जी काम कर रहे हैं, हमको राष्ट्रहित की जरूरत है। वो अपनी मानसिकता उनकी है, ब्रेन वॉश करना चाहिए। वो अंधभक्त लोग हैं जो कहते हैं कि 2000 रुपए सिलेंडर हो जाए, 200 रुपए पेट्रोल हो जाए, वो अंधभक्त है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको ये दिखाई दे रहा, सिर्फ मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी और योगी जी विकास नहीं कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। हाँ, विकास नहीं हो रहा है। 5 किलो राशन देकर आप विकास कर रहे हैं, ये कौन सा विकास है? जिला का नाम बदल के आप विकास कर रहे हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, यही विकास है? विकास नहीं, बकवास कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, हाँ, सोनम 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्या राशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 5 लोग को राशन दे रहे हैं, 95 लोग ऐसे टहल रहे हैं बेचारे, उनका आपको क्या लग रहा है? 2024 में जिस तरीके से इंडिया NDA ये दो गठबंधन हैं, दोनों में टक्कर अगर होती है तो कौन जीतेगा? भैया देखो, हम तो यही कहेंगे कि ये जो गठबंधन है, जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को इन लोगों ने बाहर फेंक निकाला है पार्टी में, ये बहुत गलत इन लोगों ने किया है, क्योंकि जब ओवैसी साहब पार्टी में नहीं रहेंगे तो हम लोग भी पार्टी में उन लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे। बिना ओवैसी वाले हैं क्या आप? जी बिल्कुल ओवैसी वाले हैं हम लोग। जरूरी है ओवैसी को लें? बिल्कुल नहीं लेंगे तो हम उनके साथ क्यों जाएंगे भाई, चाहे जो जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे क्या। असदुद्दीन ओवैसी ही मुसलमानों के लीडर बनेंगे, राहुल गांधी नहीं बन सकते? जहाँ कोई भी मामला, राहुल गांधी नहीं बन सकते, हमारा सवाल ये है भाई। हमारे लिए कोई बोलता नहीं है, अभी जितने भी ब्लीचिंग हुई है, ओवैसी साहब के अलावा पूरे भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है तो कोई बोलता नहीं है। कोई हिंदू, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में ओवैसी साहब के आने के बाद ही ताकत बनेगी। हम MIM वाले नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब जैसा काबिल लीडर पूरे भारत में पैदा नहीं हुआ अभी। आप इंडिया को पसंद करते हैं, आप इंडिया को पसंद करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ओवैसी काबिल था। आपका गठबंधन में आना जरूरी है, लेकिन ना अखिलेश लेते हैं ना कांग्रेस वाले लेते हैं। ये कौन सा चरित्र है भैया आपका, ये कैसा चरित्र है आपका? आप बता रहे हैं हम इंडिया को पसंद करते हैं, बिल्कुल इंडिया गठबंधन चाहिए, और उसके बाद में आप कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं लिया? आपको नहीं लिया जा रहा है इसलिए कि वो मुसलमान है। उधर अजमल साहब, गठबंधन का समर्थन क्यों कर रहे हैं आप? अरे समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि राहुल और प्रियंका जी से लगाव है, वो लोग अच्छे लीडर हैं, मानसिकता उनकी अच्छी है। क्या मानसिकता है यार, हम नहीं समझ पा रहे हैं। खुद कह रहे हैं गठबंधन ठीक है और फिर कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी नहीं लेंगे तो जीतेगा नहीं। ओवैसी क्यों ले, मतलब किस लिए नहीं ले रहे, कारण क्या है? सिर्फ मुसलमानों का वोट ही चाहिए सिर्फ उनको भाई? सारे मुसलमान क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार को वोट नहीं दे सकता, लालू प्रसाद यादव को? नहीं नहीं, क्यों नहीं दे, सबकी देखिए मानसिकता अलग अलग है, लेकिन एक सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं लिया जा रहा है? भाई पूरे भारत में सभी जितने नेता हैं सब एक हो गए हैं, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाया गया, ना उनको साथ लिया गया। सिर्फ मुसलमानों का वोट ही चाहिए भाई, सिर्फ मुसलमानों का वोट ही चाहिए उन्हें, बताइए। मोहब्बत की दुकान खुल गई है राहुल गांधी का, आपको मोहब्बत की दुकान नहीं? मोहब्बत की दुकान नहीं चलेगी भैया, ऐसी मोहब्बत की दुकान नहीं चलेगी। क्या हम लोग 30% है या जो भी है, 25% जो भी है, क्या हम लोग किसी काम के नहीं है? मतलब हमारा वोट चाहिए दिखावे के लिए, हमारा वोट उनको चाहिए, लेकिन हमको साथ में बिठाने की हिम्मत नहीं है इनकी? लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रहे हैं हमको भाई? अगर उनको सरकार में आना है, चाहे गठबंधन हारे या जीते, हम ओवैसी साहब के साथ थे और साथ रहेंगे बस, चाहे जो भी। क्या हाल चाल है? ठीक है। सुल्तानपुर में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए या जो है मोदी जी यानी NDA जो है उसी का दबदबा बरकरार रहना चाहिए? सुल्तानपुर के लोग सोच क्या रहे हैं? देखिए, जो माहौल आज का बना हुआ है, हर एक पार्टी को, प्रत्येक पार्टी को मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए, पहली बात। आप आम आदमी पार्टी से हैं, सुनिए मेरी बात, आप आम आदमी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं। तो आप मोहब्बत की दुकान खोली है ना? मोहब्बत की दुकान तो खुली है, आप दिल्ली में जाके देखिए, पंजाब में देखिए, पूरी मोहब्बत की दुकान खुली है। और उस मोहब्बत की दुकान में चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस जाति धर्म का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, उसको उचित शिक्षा मिल रही है, उचित चिकित्सा मिल रही है, तमाम सारी सुविधाएँ मिल रही हैं, तमाम महिलाओं को फ्री बस की सुविधाएँ मिल रही हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मोहब्बत वहाँ पे पनपी है जब से माननीय केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये बगल में खड़े हैं, क्या नाम है भैया आपका? सुल्तान बिन उमर। सुल्तान बिन उमर ये कह रहे हैं कि
मोहब्बत की दुकान तब तक नहीं चलेगी जब तक उसमें असदुद्दीन अवैसी को नहीं ले लेंगे, तो केजरीवाल क्यों नहीं ले लेते भाई? अलग चीज है, क्षेत्रीय पार्टियां कहां पे हैं, कैसे काम कर रही हैं, वो अपने अपने क्षेत्र की बात है। मान लिए माननीय केजरीवाल, यहां पर सवाल हो रहा है मोदी को रोकने की, मोदी को रोकने की बात हो रही ना, तो मोहब्बत की दुकान कोई ऐसा तो नहीं स्टेट लेवल खोला गया है? मैं असदुद्दीन अवैसी का कहना यही कह रहे ना जी, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जैसे पूरे भारत के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, तो मतलब वजह क्या है जो असदुद्दीन अवैसी को साथ में क्यों नहीं लिया, बता दीजिए। पार्टी क्यों नहीं लेती? क्यों? एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, उसमें 5 सदस्य कमाने वाले हैं और उसमें 5 में से एक नहीं कमा भी रहा है, तो 4 अगर कमा रहे हैं तब भी घर की रोजी रोटी चूल्हा जलता है, ठीक है। उसी वजह से अगर कोई भी एक क्षेत्रीय पार्टी कहीं मिस हो रही है किसी वजह से, और अच्छी बात तो यह है कि सबको लेके चलना चाहिए, सभी को, टीम इंडिया के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको चाहिए कि सबको साथ लेके चलें। चाहते हैं असदुद्दीन अवैसी को लें? मैं चाहता हूं कि सारी पार्टियां एक साथ होकर, जिस तरह से भाजपा भगाओ का आंदोलन चल रहा है, इसमें सारी पार्टियों का सम्मिलित होना सही है, जायज है और होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई साहब का तर्क आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्यों नहीं ले अवैसी को, क्यों नहीं लिए लोग? इंडिया तब तक नहीं शामिल, एकदम कंप्लीट नहीं हो रही है जिसमें मुसलमान नहीं है। या तो आपकी नज़र में मुसलमान भारत का ही नहीं, सबसे पहली बात। इंडिया गठबंधन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक मुस्लिम प्रतिनिधि, चाहे वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हों असम के, चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हों, या प्रदेश में पीस पार्टी है डॉक्टर अयूब साहब, या आजमगढ़ के मौलाना आमिर रशीदी, यानी आप सबको दरकिनार कर दिए। वोट तो चाहिए आपका 100% मुसलमानों का, लेकिन उसकी लीडरशिप नहीं, क्यों? आखिर क्या वजह है? ना तो आप MIM को बुला रहे हैं, ना मौलाना बदुद्दीन अजमल साहब को बुला रहे हैं, ना पीस पार्टी डॉक्टर अयूब साहब को बुला रहे हैं, ना मौलाना आमिर रशीदी RUC यानी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को। आखिर क्या वजह है? वोट आप लोगों की झोला भरकर, बोरा भरकर, लेकिन कहीं मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो जबानें नहीं खुलती, चाहे वो अखिलेश यादव हों। भाजपा से हमको तो उम्मीद ही नहीं है, क्यों नहीं है? मुसलमानों ने 65-70 साल तक नाम निहाज सेकुलर दल को वोट दिया है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे कांग्रेस हो, मुसलमानों के साथ क्या किया इन्होंने? इंसाफ की बात, मुसलमानों के लिए मंत्री दिया, मुसलमानों का मंत्री दिया, मुसलमानों के लिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बना के दिए, और क्या चाहिए? लीडर नहीं, इनको लोडर कहिए आप, मंत्री बता रहे हैं ना। हाँ। ये लाल बत्ती ले लिए अपने परिवार के लिए, लोडर हैं, लोडर हैं बिल्कुल, ये लीडर हो ही नहीं सकते। कौम के अगर लीडर होते तो कौम की बात करते, इतना मुसलमान सा मोटा चश्मा लगाए मेरे भाई, बहुत मोटा चश्मा है ये जितना मोटा चश्मा है। एक तरफ मोदी को हराने के लिए इंडिया तैयार किया गया गठबंधन, और दूसरी तरफ आप तो विपक्ष से लड़ने के लिए तैयार है। हम उस हर उस शख्स से लड़ेंगे जो हमारे साथ हक तल्फी हुई, ना इंसाफी हुई है भाई। बताया तो ना, 4-4 बार मुख्यमंत्री मायावती को बनाया, बहन कुमारी मायावती को, अखिलेश यादव को, इनके पिता मुलायम सिंह यादव को, क्या मिला? विपक्ष से इसलिए लड़ाई है कि वोट हमने इनको दिया है। अरे मिले ना, मुल्ला मुलायम बन गए, और क्या चाहिए? मुल्ला मुलायम मिले तो क्या, ऐसा मौलाना देखा हूँ बचपन से, जब से समझदार हुआ हूँ उसको। क्या कह रहे हैं? हमको प्रधानमंत्री बनावा, हम जनेऊ टांगने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपको प्रधानमंत्री बना दें? बिल्कुल बनावा, ऐसा साहब को बनावा, आज जनेऊ टांगने के लिए तैयार हैं, जबानी जैसे मेरा देश सेकुलर। क्या बोल रहे हैं आप? हम सही बोल, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सोच समझ सुनिए, बिल्कुल क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पहले सोचिए, आप बता रहे हैं क्या प्रधानमंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना दे, जनेऊ टांगेंगे हम, आप जनेऊ बना के घूमेंगे, जनेऊ घूमेंगे, बिल्कुल टांग लेंगे, ऊपर टांगेंगे हम, अंदर नहीं टांगेंगे, ऊपर टांग लेंगे, उसमें अपनी रिवॉल्वर भी लगा लेंगे हम। क्या बात आप करते हैं, डोरी टांगते हैं कि नहीं टांगते हम? और सुनिए, अभी आपने क्या कहा, एनडीए और क्या कहते हैं, क्या कौन सा इंडिया, इंडिया। हाँ। ये क्या है, इंडिया क्या है, गठबंधन है काहे का, उसको इंडिया मत कहिए। हाँ। वो INDIA कहिए, जैसे आप एनडीए कहते हैं। हाँ। उस तरह से आप INDIA कहिए, इंडिया मत कहिए, इसलिए कि इंडिया मेरी जान है, मेरी शान है, तब भी मैं इंडिया के साथ था, आज भी हूँ, और मरते दम तक साथ। पुष्ट गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे? क्या है गठबंधन, कैसा गठबंधन, किस चीज का? क्यों राहुल गांधी आपके रहनुमा नहीं हो सकते, अखिलेश यादव आपके नहीं हो सकते हैं, ममता बनर्जी नहीं हो सकते? आप सुनिए, मैं मरूंगा तो मेरे जनाजे की नमाज वसम पढ़ाएंगे, साहिल पढ़ाएंगे, जैफ पढ़ाएंगे, राहुल नहीं पढ़ाने जाएंगे। बच्चा मेरा पैदा होगा तो अजान सुल्तान देंगे, इजाज देंगे कान में। तो अलग संविधान चाहते हैं आप? संविधान अलग नहीं, जो संविधान मेरा है। हाँ। वो मुझे स्वीकार है बाबा साहब वाला। हाँ।
लेकिन एक तरफा चाहते हैं, चुनाव से पहले आप चाहते हैं कि हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं चाहते। मुझे तो लग रहा है तो मैं ही क्यों वोट दूं, वो हमको आकर के क्यों नहीं देते? तो क्या मुसलमान राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव को वोट नहीं कर सकता क्या? क्या करता आया है मित्र? मेरे भाई करता आया है, जब से देश आजाद हुआ है मुसलमानों ने इन्हीं लोगों को तो वोट किया है। आप ये बताइए, ये कह रहे हैं गठबंधन ठग बंधन, गठबंधन को वोट क्यों करें? आप ये बताइए क्यों ना करें? ये देखिए, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा। हम लोग सन 76 से कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिए थे, जब से इस्लाम में गोली कांड हुआ था, इंदिरा गांधी हुकूमत थी। इसी गोली कांड के बाद इंदिरा गांधी की हुकूमत जो है चली गई, उसके बाद दूसरी जनता पार्टी हुकूमत आई, तब से हम लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया। आज राहुल और प्रियंका की मेहनत को देखकर हम लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस को वोट लेते हैं। ये दोनों भाई सेकुलर हैं। राहुल जी को ये चाहिए, बहुत सेकुलर है, नहीं मत्थे पे नहीं लिखा हुआ। सुनिए, आपसे आपसे बता दें, सुनिए, शुरुआती दौर से जब आप बता रहे सेकुलर है ना, जी बिल्कुल, बिल्कुल सो कॉल्ड सेकुलर है, सो कॉल्ड सेकुलर नहीं है, दे आर नॉट सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर है। सुनिए, पहले कांग्रेस अलग थी, ये दोनों बिल्कुल सेकुलर है भाई, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सेकुलर है। हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, आप कांग्रेस को, हाँ मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, हाँ मैं कांग्रेस को, हाँ मैं कांग्रेस, क्यों नहीं है सर? सेकुलरिज्म की बात की जा रही है, आप बीच में आ गए, बिल्कुल आएंगे ना सेकुलरिज्म की, तो मैं कर रहा हूँ बात, तो आप पूरी होने नहीं दे रहे हैं। आप एक मिनट इधर तो दीजिए, सेकुलर में आपसे क्या बात करें? आप कह रहे सत्ता दे दीजिए, हम जेन्यू लगा के घूमेंगे, मतलब आप धर्म परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं? बात धर्म परिवर्तन की नहीं है, बात जैसे हमको आश्वासन दिया जाता है, हमको सब्ज बाग दिखाया जाता है। मुलायम सिंह टोपी पहन लिए तो आप जेन्यू पहन के घूमेंगे? हम कह रहे हैं अभी तक जो गठबंधन बना है, सबसे ज्यादा अगर कोई काबिल नेता है भारत में असदुद्दीन ओवैसी नेता है, सभी से पूछ लीजिए। उनका जैसा लीडर पैदा नहीं हुआ हमारे कौम में, हमारे कौम में ओवैसी साहब जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन में नहीं लिए ओवैसी साहब का, इसलिए विरोध करता हूँ। लेकिन वोट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को देखते हैं। दो मिनट आपके पास समय हो तो थोड़ा सेकुलरिज्म की मैं थोड़ा सा व्याख्या करता हूं। आपको हम 5 सेकंड दे सकते हैं? 5 सेकंड में तो नहीं हो पाएगा, तो संविधान के कहने में 5 सेकंड हो गया, आपको देना पड़ेगा 2 मिनट। अगर 2 मिनट पक्का कट्टरपंथी है, अभी यादव का मर्डर होता है तो अखिलेश जरूर उसके घर पे पहुंचेंगे। मुसलमान का हत्या होता है, मर्डर हो जाता है, कहीं एक जगह प्रूफ दे दो जहाँ गए हो। नहीं नहीं नहीं, हम लोग शाहरुख खान क्या बोल रहे हैं, शिक्षा पर, दवा पर, इस पर विकास होना चाहिए। फिल्म देख लो, जिसका नहीं, जो नहीं देखा जवान फिल्म जाकर देखिए। भाई साहब क्या कह रहे हैं सुनिए, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रधानमंत्री बनाइए, जैसे मुल्ला मुलायम बने थे, मौलाना कहलाए थे, वैसे मैं भी जने उधारू कहलाऊंगा। सत्ता दीजिए आप हमको, जैसे मौलाना मुलायम फर्जी मौलाना बने थे, वैसे मैं भी फर्जी जने उठा टांग के घूमूंगा, वादा है। देखो इंडिया गठबंधन अगर, और सुन रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं, पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमको प्रधानमंत्री बनाइए, बना दीजिए, जेन्यू पहन के घूमेंगे, ये भी जन्मधारी बनेंगे। नहीं नहीं, हम राहुल गांधी, अरे क्या टोपी पहन लिए मुलायम सिंह तो मौलाना मुलायम हो गए, हमको बताइए इमामत कर सके? अरे बोल लेने दीजिए, आप लोग तो चढ़े जा रहे हैं, अरे मौका मिल गया आप चढ़ गए। अरे मेरे शाहरुख खान का अगर प्रधानमंत्री, बिल्कुल बना दीजिए इंडिया गठबंधन, शाहरुख खान को प्रधानमंत्री बनवा दीजिए। इंडिया गठबंधन में मुसलमानों की 4 पार्टियां हैं, मुसलमानों की 4 पार्टियां हैं। इंडिया गठबंधन में जो नहीं लिया इसका विरोध हम लोग करेंगे, हमको कर रहा हूँ, बाकी कोई विकास चाहिए, विकास को क्या चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए। मोदी जी विकास नहीं करते, बकवास करते हैं मोदी जी, कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी नहीं लेंगे, नहीं जीतेंगे, वो उनका अलग विचार, हम उनकी राय नहीं मानेंगे। दूसरा चौकीदार है भैया, क्या करे, जैसे एक दुकानदार है, दूसरा चौकीदार है, दोनों सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक कम्युनलिज्म का, एक कहता है अगर आपको चाहिए तो पाकिस्तान नहीं कब्रिस्तान, दूसरा कहता है आप तो फिरका परस्त, तो सीधा सीधा या तो आप बीजेपी के एजेंट कहलाओगे, जब वोट की बारी आती है तो मुसलमानों की टोपी पहनेंगे, बड़े दाढ़ी वाले को बुलाएंगे, मंच साझा करेंगे, बढ़िया फूल माला पहने, कहते हैं मुसलमानों
सेकुलरिज्म तुम्हीं को बचाना। अरे मेरे भाई, हम 70 साल से बचाते चले आ रहे हैं, आखिर हमारी जिम्मेदारी क्यों है? राहुल गांधी में क्या कमी है, अखिलेश यादव क्या कमी है? मेरे भाई बहुत कमियां हैं। जब कमी है क्या, कुछ कोई कमी नहीं है? राहुल गांधी को हम जिताएंगे 2024। अब छोड़िए, अब अरे आपको अफसोस होता है, मत के बात करिए। हम राहुल गांधी बता रहे, अफसोस होता है। हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे 2024 में। बस बिना सदुद्दीन ओवैसी के, बिना मुस्लिम लीडरशिप के प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। लेना चाहिए इंडिया गठबंधन, या तो नाम हटा दे। हाँ, नाम नहीं हटाते हैं तो चारों मुसलमानों की पार्टियों को क्यों नहीं कंप्लीट नहीं होता जब तक मुसलमानों की चार पार्टियां हैं दो उत्तर प्रदेश में? सुने सुने, एमआईएम में लोग जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, यही एमआईएम में है, यही एमआईएम के। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको याद है? ज्योतिरादित्य सिंधिया 1,000,000 रुपए लेकर बीजेपी को लेते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर मध्य प्रदेश। हमने यहाँ पर और लोगों से बात की और अपनी अपनी राय लोग दे रहे थे, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।